गया है तुझको तो प्यार सजना। ओ मेरी सुबह भी तू ही हो। फाइनली गाइस तुम्हारा भाई भाई आगे खतरनाक सी वीडियो लेके, और वीडियो में आज फुल मज़ेदार आने वाला है क्योंकि यार एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसे ना मैंने लाइक करने लग गया हूँ। और मेरी ना बहुत अच्छी फ्रेंड है, उससे मेरी रात को कॉल पे बातें होती है और सुबह शाम मैसेज पे चैट भी होती है यार, पर ना वो बहुत बिजी रहती है, ठीक है, अदरवाइज़ उसको नहीं पता कि मैं उसे लाइक करता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने उसे फाइनली मिलने के लिए बुलाया, ठीक है, और मैंने कैमरा लगवा दिया मेरे मोंटी भाई से, ठीक है, और बाकी देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। तो थोड़ा वेट करते हैं, वो आने वाली होगी, एक बार मैं उसे ना कॉल कर लेता हूँ। गाइस मैं उसको ना फ़ोन करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो पूछता हूँ उसे कहाँ पे रह गया, अभी तक आई नहीं है। हेलो हेलो, कहाँ पे रह गए? कहाँ पे रह गए? हाँ जल्दी आओ ना, पार्क में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ आ रही हूँ। जल्दी आओ, पार्क में हो तुम? ये बगल वाले पार्क में, यहाँ पे मिलते हैं हम दोनों। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ बस। जल्दी आओ जल्दी। फाइनली गाइस वो ना आने आ रही है, ठीक है, तो उसका वेट कर रहे हैं थोड़ी देर जब तक आएगी, ठीक है। इतने पूरी यार वीडियो देखते रहना, ठीक है, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर जरूर करना, ठीक है, और मैंने अच्छा किया उसने अच्छा किया देखते हैं वीडियो में। A few moments later. मोंटी वो ना आ चुके हैं, जल्दी से कैमरे में दिखा दे। बढ़िया और सब घर में ठीक ठाक? हाँ। लो पानी पियो। तो क्यों बुलाया? ऐसे ही बुला लिया भाई, मन कर रहा था आपसे मिलने का। तुम्हारा तो मन करता ही नहीं है, तो मेरा तो करेगा ही मिलने का आपसे मन। यार तुम्हें पता है ना? क्या पता है? घर वाले इशू करते हैं इसीलिए नहीं मिल पाते हैं। यार ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं देते, ये बताओ। देती तुम कहाँ देते हो यार, कल मैंने हाई लिख रखा था तुम्हारा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था। 5 बजे मैसेज करता हूँ, 6-7 बजे मैसेज का रिप्लाई, ऐसा थोड़ी होता है यार बंदे की। यार वो तो देखो बंदा आपको कॉल कर रहा है तो फोन भी नहीं उठाते हो आप। थोड़ी बिजी रहती हूँ ना इसीलिए कॉल नहीं उठाती। अच्छा बिजी रहते हो यार, बंदे को ये तो समझो यार बंदा किस लिए फ़ोन कर रहा है। हाँ तो बोलो, फाइनली आ तो गई मैं। फाइनली आ गया यार, आपने कुछ सोचा ही नहीं यार मेरे बारे में, सोचा कि नहीं सोचा आपने? तुम्हारे बारे में क्या सोचना है? अच्छा मेरे बारे में कुछ नहीं, तुम मेरे फ्रेंड हो और हमेशा फ्रेंड रहोगे। यार बहुत दिनों से हम फ्रेंड थे ना। हाँ तो यार तो क्या तो मेरे दिल में कुछ होने लग गया, इसलिए हमारे आपको मैंने बुलाया। मतलब आपके लिए ना मेरे दिल में ना फीलिंग यार। कौन सी फीलिंग? यानी कि मैं आपको लाइक करने लग गया हूँ। क्या? हाँ यार मैंने तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। यार आपने नहीं सोचा पर मैंने तो सोच लिया ना आपके लिए। अब ये मत बोलना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं इस चक्रों में नहीं रहती, तुम्हें पहले ही बता रखा था मैंने। नहीं देखो आप नहीं रहते पर मैं तो, मेरे को तो हो गया ना आपसे। यार ऐसा थोड़ी होता है यार, मेरे को गुस्सा आ रहा था कि आप बिजी जा रहा था फोन आपका और रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो, दोस्त हो, तो हर बात तुम्हें बतानी जरूरी नहीं समझती ना मैं। यार नहीं समझते पर मैं तो समझता हूँ यार, मेरे लिए तो कुछ समझो यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी आप बिजी। यार ऐसा थोड़ी होता है यार, किसी की उसके भावना को भी समझना चाहिए बंदा। यार तुम्हें कॉल कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको रिस्पेक्ट वो भी तो करो यार, वैल्यू। मैं करती हूँ, कहाँ कर कुछ नहीं है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कॉल लगाती तभी बात करती हूँ, करती नहीं करती मैं। करते हो मान के चलो, आपको मेरे दिल में आपकी आपसे नहीं पूछा। यार मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है तुम्हारे। क्यों नहीं सोचा यार, अदरवाइज मेरी बातों से नहीं लगा आपको? हाँ लगा तो था बट मैं सोचती थी ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड है। यार पहले था मैं फ्रेंड, मेरे को लगा फ्रेंड है, पर पता नहीं यार क्या हो गया मुझे, अदरवाइज तुम्हारे लिए फीलिंग आ चुकी है यार पूरी। मैं आपको लाइक भी करने लग गया हूँ, बहुत टाइम से लाइक कर रहा था पर मैं बोल नहीं पा रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि अदरवाइज तुम गुस्सा ना हो जाओ यार। पर मैं यार अभी कंफ्यूज हूँ, मैं क्या कहूँ, यस या नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार क्यों मेरे पर ट्रस्ट नहीं है आपको यार? बात वो नहीं है। क्यों नहीं? फिर बताओ क्या बात है। पर फीलिंग भी तो जैसे तुम मेरे लिए फील करते हो तो मैं भी तो तुम्हारे लिए वही फील करना चाहती हूँ ना, बट मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, फ्रेंड वाली फीलिंग है। नहीं यार देखो एक साथ रहेंगे तो अदरवाइज आ ही जाएगी यार, ठीक है, पहले फ्रेंड थे ना हम, ठीक है, बहुत अच्छे हम फ्रेंड थे, ठीक है,
पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं आपको लाइक करने लग गया, ठीक है। और ये अदरवाइज़ ये वाली बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने बोला कि तू उससे कल मिल, जब भी मैं आपसे मिलने आया हूँ आज। यार मैं सोच के बताऊँ तुम्हें, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ। यार क्यों सोच के बताओगे यार, आप ये बताओ, मेरे पे भरोसा नहीं बिल्कुल भी यार। है यार, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा ना यार। तो पता है बॉयफ्रेंड की यही प्रॉब्लम होती है यार, तुम्हें पता है ना, बहुत सारी दिक्कत होती है, मुझे इन सब दिक्कत से नहीं गुजरना। मैं आपको नहीं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा ना यार। यार सभी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। नहीं यार सब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्यों जा रही है अपने फ्रेंड के पास, क्यों ये कर रही है, बहुत सारे लफड़े होते हैं और फ्रेंड में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मैं नहीं करूँगा, रोक टोक आपको, मैं पूरा पूरा टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है। आपके ऊपर भरोसा है मुझे आपके ऊपर। कैसे मानूं मैं कि तुम, मतलब अगर मैंने तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिया तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? जिस दिन आपको ऐसा लगे ना उस दिन मेरे को छोड़ देना, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस यार, मैं धोखा नहीं दूंगा। अदरवाइज यानी कि आपको देखो यार, ठीक है, वैसे आप हाँ तो करके देखो यार, आपको ना कुछ भी दिक्कत नहीं आने दूंगा यार। पर मैं क्या बोलूँ, अभी तो प्रॉमिस पे भी मुझे बिलीव नहीं है ना यार, मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती और ऐसा सोचा भी नहीं है। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता तो मैं तुम्हें बता देती, पर मुझे तो लगता है ना, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया यार मैंने। अदरवाइज यार देखो यार, यानी कि इतना टाइम से हम 2-3 महीने तक हम अच्छे फ्रेंड बन के रहे, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ सोचा यार आपके लिए भी, ठीक है, आप मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो, हम आगे तक ना और भी अच्छा यानी कि रिस्पेक्ट भी करेंगे आगे, और भी अच्छा करियर बनाने के आगे। पर तुम्हें पता है फ्रेंड में सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि मतलब हम हर तुम्हारी, मैं अपनी हर दिल की बात तुम्हें शेयर कर सकते हो। बॉयफ्रेंड की बात ये होती है कि मतलब कुछ छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता है। नहीं यार ऐसी बात, आप मुझे समझोगे, आप मुझे, मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा कभी कुछ कारण नहीं आएगा जिस वजह से हम। देखो अभी तुम मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, अगर कोई बॉय फिर से मेरा फ्रेंड हुआ तो तुम बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो दिक्कत होगी तुम्हें? अरे नहीं होगी, सब सब एकदम यानी कि वो कर लेंगे ना, मिनिमाइज कर लेंगे हर चीज़ को यार, हर चीज़ मिनिमाइज हो सकती है यार, हम करेंगे तो क्यों नहीं होगी यार, ये बताओ आप। गर्लफ्रेंड में नहीं होती, सोच के देखना तुम, कभी नहीं होती। तो मैंने भरोसा करो यार, एक बार भरोसा करके तो देखो, मैं धोखा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अभी भी कह रहा हूँ आपसे। तुम फ्रेंड बहुत अच्छे हो, पर नहीं यार, यार मैं कैसे बताऊँ, वो फील भी तो होना चाहिए इंसान को कि मतलब यार मुझे ना तुम्हें हुआ। नहीं यार समझा करो यार, मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ ये बताऊँ, अभी मैं सोच के तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। तुम ऐसे एक मिनट ले लो वहाँ पे सोचो जब तक। चलो मैं, ठीक है, मैं सोच के तुम्हें बताती हूँ। इधर मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपने सोच लो, ठीक है। पूछ लिया यार, सोच तो लिया, बट मैं डरती हूँ कभी हम प्यार करने लगे और तुम मेरा साथ छोड़ दो। नहीं मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा यार, पक्का नहीं छोड़ूंगा आपके साथ। अगर छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा आपको छोड़ने का, मैं कह रहा हूँ आपको मौका नहीं आने दूंगा छोड़ने का। एक भी पल तो मैंने ऐसा लगे नहीं मैंने छोड़ा आपको, फिर बता देना आपको छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। इसे तुम्हारा ट्रस्ट कर रही हूँ, कभी मत तोड़ना। पक्का नहीं तोड़ूंगा कभी यार, प्रॉमिस। ठीक है, ठीक है। Anybody out there hear me?